दोस्तों, हम सभी एक ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई दुख ना हो, सब आपस में मिलजुल कर रहें। ऐसे ही शांत जहान की चाहत में ही स्वर्ग या जन्नत जैसी कल्पनाएं हम इंसानों द्वारा की गई हैं। वैसे शांति को स्थापित करने के दो तरीके विद्वानों द्वारा सुझाए गए हैं। पहला महात्मा गांधी वाला अहिंसात्मक तरीका, जिसमें दुश्मन आपके एक गाल पर मारे तो आप अपना दूसरा गाल भी झन्नाटेदार चांटा खाने के लिए दुश्मन के आगे कर दो, और ऐसा करने के बाद आप आस लगाओ कि शायद आपके दुश्मन को आप पर दया आ जाए और वो आपको छोड़ दे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके उस दुश्मन को आपके ऊपर दया ना आए और वो उल्टा दो चार और लात घूसे आपको जमाता हुआ आपकी दुर्गति कर डाले। यानी देखा जाए तो इस तरीके में आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। शांति इस बात पर निर्भर करती है कि आपके दुश्मन को आप पर दया आती है या फिर नहीं आती। वहीं शांति स्थापित करने का दूसरा तरीका ये होता है कि आप खुद को मजबूत करो, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। और जब आपका दुश्मन आप पर हाथ उठाए तो उसके हाथ के साथ साथ उसके दोनों पैर भी तोड़ डालो। ऐसा करने से आपका दुश्मन आपको मारने तो क्या, खुद से चलने फिरने लायक भी नहीं रहेगा, एवं उसके बाद आप शांति से रह सकते हैं। और ये जो दूसरा तरीका है, इसी तरीके का इस्तेमाल इजराइल करता आया है और आज भी कर रहा है। हालांकि इजराइल और फिलिस्तीन या अन्य देशों एवं संगठनों की इस जंग में आप किसे सही मानते हैं ये आप ही जाने। हो सकता है कि आप इजराइल को सही मानते हों, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी नज़र में इजराइल गलत हो। लेकिन यदि इजराइल द्वारा किए गए संघर्ष को आप जान लेते हैं तो दोनों ही सूरतों में आप इजराइल की तारीफ अवश्य करोगे, क्योंकि ये वो देश है जिसने बार बार सिद्ध किया है कि यहाँ के पुरुष तो छोड़िए, महिलाओं तक से किसी दुश्मन को नज़र मिलाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। तो चलिए आज के वीडियो में इजराइल के इतिहास के बारे में ही चर्चा करते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, यहूदी धर्म दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। इस धर्म को जुडाइज्म या जुडिज्म नामों से भी पुकारा जाता है। यदि तारीख के हिसाब से देखा जाए तो हिंदू धर्म के बाद यहूदी धर्म को ही सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है, जिसकी स्थापना 1500 से 1600 BC यानी आज से तकरीबन 3500 वर्ष पूर्व अब्राहम द्वारा की गई थी। बाद में यहूदी धर्म के रास्ते पर ही चलकर ईसाइयत एवं और भी आगे चलकर इस्लाम धर्म की स्थापना की गई। यही वजह है कि यहूदी, ईसाइयत तथा इस्लाम, इन तीनों ही धर्मों को अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है। अब होता क्या है कि ज्ञान इंसान में घमंड भर देता है। एक पढ़ा लिखा ज्ञानी व्यक्ति कम ज्ञानी को अपने बराबर नहीं समझता, वो उसे मूर्ख मानता है। हिंदू धर्म में यदि ब्राह्मणों की बात की जाए तो ज्ञान की शुरुआत ब्राह्मणों से ही हुई, जिस कारण ब्राह्मणों ने खुद को ऊंचा और अन्यों को नीचा समझा। किसी अन्य जाति का व्यक्ति कभी ब्राह्मण नहीं बन पाया। ब्राह्मण केवल वही होता है जिसका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है। दूसरी जाति के व्यक्ति को लंबे समय तक वेदों का ज्ञान हासिल करने का भी अधिकार नहीं था। कुछ ऐसा ही मामला यहूदियों का भी था। वर्तमान में भी अगर आप चाहें तो भी यहूदी धर्म से नहीं जुड़ सकते, क्योंकि यहूदियों का मानना है कि यहूदी केवल जन्म से ही हुआ जा सकता है। यहूदियों के इसी घमंड के कारण इस धर्म का फैलाव नहीं हो पाया और ये इजराइल के उसी इलाके तक सीमित रहे जिस इलाके में आज भी इनका वर्चस्व कायम है। वहीं दूसरी ओर 1000 ईसा पूर्व लगातार वर्तमान इजराइल और उसके आसपास के इलाकों पर हमले हो रहे थे। इन हमलों का सामना करने में यहूदी विफल रहे और ये इस क्षेत्र से पलायन करने लगे। धीरे धीरे इजराइल वाले क्षेत्र में बहुत थोड़े यहूदी ही बचे, और इन थोड़े यहूदी परिवारों में से एक परिवार में जन्म हुआ यीशु का। यीशु यहूदियों के धार्मिक ज्ञान की संकुचित व्यवस्था से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने अपने धार्मिक ज्ञान को फैलाना शुरू कर दिया। इससे एक नए धर्म यानी ईसाई धर्म की शुरुआत हो गई, जो तेजी से हर ओर फैला। ईसाई धर्म ने बेहद ही जल्दी इजराइल क्षेत्र में भी अपना फैलाव करते हुए यहूदी धर्म को बहुत पीछे छोड़ दिया। अब ईसाइयत का इतना तेज प्रचार यहूदियों को रास नहीं आ रहा था, जिस कारण एक रोज यहूदियों द्वारा यीशु को सूली पर लटका दिया गया। यहूदियों को लगा कि ऐसा करने से ईसाई धर्म का प्रचार थम जाएगा और वो फिर से अपने पूरे इलाके में खुद को श्रेष्ठ साबित कर सकेंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। यीशु की हत्या के कारण ईसाइयत और भी तेजी से फैलना शुरू हो गई और प्रत्येक ईसाई यहूदियों से नफरत करने लगा, क्योंकि ईसाई अपने धर्म के संस्थापक यीशु की हत्या के लिए प्रत्येक यहूदी को दोषी मानते थे। इस नफरत की वजह से यहूदियों का इजराइल से पलायन और भी तेज हो गया, और एक समय आया जब यहूदियों का इजराइल क्षेत्र में दिखना ही दुर्लभ हो गया। दूसरा, यहूदी व्यापार आदि के मकसद से भी यूरोप की ओर फैले। व्यापार में यहूदियों का दिमाग काफी तेज चलता था। कुछ ऐसे कार्य जैसे ब्याज पर ऋण आदि लेना या देना यीशु की शिक्षाओं के विरुद्ध था।
इसलिए ईसाई इस तरह के काम नहीं करते थे। यही वजह है कि इस तरह के कार्यों पर यहूदियों ने पूरी तरह से अपना वर्चस्व कायम कर लिया। देखा जाए तो आधुनिक बैंकिंग सिस्टम यहूदियों की ही देन है। सिर्फ यही नहीं, न जाने क्यों यहूदी होते भी बड़े बुद्धिमान हैं। संख्या में कम होने के बावजूद भी विज्ञान एवं तकनीकों के मामले में यहूदियों का योगदान उल्लेखनीय है। अल्बर्ट आइंस्टाइन सहित दुनिया के अनेकों श्रेष्ठ वैज्ञानिक यहूदी समाज से हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यूरोप में बस चुके यहूदियों के खिलाफ ईसाइयों में नफरत बढ़ती ही जा रही थी। असल में ईसाई धर्म का फैलाव इतनी तेजी से हुआ कि जिस भी देश में यहूदी पहुंचते, उनसे पहले उस देश में ईसाइयत पहुंच जाती और ईसाइयत के साथ ही पहुंच जाती यहूदियों के प्रति नफरत। दोस्तों, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। भारत के अतीत में ब्राह्मणों ने खुद को श्रेष्ठ माना, लेकिन गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बाद जब हिंदुज्म के बजाय बौद्ध धर्म का तेजी से फैलाव होना शुरू हुआ तो ब्राह्मणों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गौतम बुद्ध को भी विष्णु का अवतार बताना शुरू कर दिया। अनेकों भारतीय धर्म ग्रंथों में समय समय पर बदलाव किए जाने के उल्लेख भी मिलते हैं, लेकिन ब्राह्मणों जैसी सुलझी हुई एवं उदारवादी सोच यहूदियों ने प्रकट नहीं की। हालांकि अपनी गलतियों से सबक यहूदियों द्वारा भी लिया गया और उनका सबक था खुद को संगठित करना। यहूदी जान गए कि यदि उन्होंने अपने अस्तित्व के लिए जी तोड़ संघर्ष नहीं किया तो उनका इस दुनिया से सफाया तय है, और यहीं से यहूदीवाद आंदोलन की शुरुआत हुई। दुनिया भर के अलग अलग स्थानों पर फैले यहूदी इकट्ठा होना शुरू हो गए और सबने मिलकर वापस अपने पुराने देश यानी इजराइल में जाकर बसने का फैसला किया, क्योंकि संगठन और एकता ही अब यहूदियों की एकमात्र उम्मीद थी। हालांकि तब तक यहूदियों द्वारा छोड़े गए इजराइल पर मुस्लिम अरब देशों के निवासियों का कब्जा हो गया था, इसलिए यहूदियों की घर वापसी का यह काम आसान नहीं रहने वाला था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यहूदी ब्रिटेन के साथ मिलकर लड़े, क्योंकि ब्रिटेन ने यह वादा किया था कि वो यहूदियों को उनका देश वापस दिलाने में मदद करेगा। इस युद्ध की समाप्ति के बाद इजराइल का क्षेत्र ब्रिटेन के कब्जे में आ गया था, इसलिए यहूदियों को उम्मीद थी कि अब उनकी घर वापसी हो जाएगी, और ऐसा हुआ भी। ब्रिटेन ने यहूदियों का समर्थन किया, जिस कारण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले यहूदी वापस इजराइल वाले क्षेत्र में लौटने लगे। परंतु चूंकि अब उस इलाके में अरब बस चुके थे, इसलिए अतीत में अपनी ही छोड़ी गई जमीन को यहूदियों द्वारा पहले अरबों से पैसे देकर खरीदा जाता तो ही वो वहाँ अपना घर बना पाते थे। लेकिन इसके बावजूद भी अरब बड़े पैमाने पर यहूदियों के आने का विरोध करने लगे। यानी देखा जाए तो तब ईसाइयों के साथ साथ मुस्लिमों से भी यहूदियों की दुश्मनी शुरू हो चुकी थी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये थी कि पहले तो अरब के लोग अतीत में यहूदियों द्वारा छोड़ी गई जमीन को यहूदियों को ही पैसों के लालच में बेच देते और बाद में वो लोग यहूदियों का विरोध भी करने बैठ जाते। किंतु जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, वैसे वैसे अरबों के विरोध के बावजूद भी यहूदी और भी तेजी से अपने इलाके में बस रहे थे, क्योंकि यूरोप में उनके प्रति नफरत लगातार बढ़ती ही जा रही थी। हिटलर द्वारा तो बड़े पैमाने पर यहूदियों का कत्लेआम मचाया जाने लगा। अपने लोगों को यहूदियों के खिलाफ भड़काकर हिटलर खुद का राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करके राज कायम रखना चाहता था। इन हालातों के कारण अब बेचारे यहूदियों के पास सिवाय अपनी भूमि पर वापस लौटने के और कोई चारा ही बाकी नहीं रहा था। इस दौरान दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया, जिसमें अरब जर्मनी की ओर थे और यहूदी फिर से ब्रिटेन की ओर। इस युद्ध के बाद यहूदी एवं अरबी लोगों में दुश्मनी और भी अधिक बढ़ गई, और चूंकि अरबी लोग मुस्लिम थे, पूरा इलाका ही उस समय मुस्लिम प्रभुत्वों के अधीन था, इसलिए तमाम मुस्लिम देश यहूदियों के पूर्ण रूप से खिलाफ होने लगे। यानी एक समय ईसाइयों की नफरत झेल चुके यहूदी अब मुस्लिम के नफरत के निशाने पर थे, लेकिन इस बार यहूदी चोट खाए हुए शेर की भांति हमलावर बन चुके थे। उन्होंने क्या मर्द क्या औरत हर किसी को फौज की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों तक को युद्ध के हालातों के लिए तैयार करते, क्योंकि यहूदी जानते थे कि उन्हें कभी भी लड़ाई का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसा हुआ भी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएन द्वारा यरूशलम, जहाँ यहूदियों के पवित्र मंदिर के साथ साथ मुस्लिम एवं ईसाइयों का भी पवित्र स्थान है, को अपने अधीन में रखा गया और बाकी के इलाके में यहूदियों और फिलिस्तीनियों के अलग अलग हिस्से निर्धारित कर दिए गए। किंतु इस बंटवारे से फिलिस्तीनियों के साथ साथ कोई भी अन्य मुस्लिम देश खुश नहीं था। हालांकि इस बंटवारे से यहूदी काफ़ी खुश एवं संतुष्ट थे, उन्हें अपना देश यानी इजराइल वापस मिल गया था और उनकी आंखों में अब नए सपने थे। ये उस समय का मैप है जिसे यूएन के बंटवारे के बाद जारी किया गया था। इस मैप में जो सफ़ेद हिस्सा है वो इजराइल एवं हरा हिस्सा फिलिस्तीन को दर्शा रहा है। इस बंटवारे के बाद यरूशलम को छोड़कर इस पूरे इलाके से ब्रिटेन ने अपना नियंत्रण हटा लिया, किंतु ब्रिटेन के नियंत्रण हटने के तुरंत बाद इस बंटवारे से बिल्कुल नाखुश सभी अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला बोल दिया। इस हमले में जॉर्डन, इजिप्ट,
सऊदी अरेबिया, यमन, सीरिया और लेबनान जैसे कई देश शामिल थे। इन सारे देशों ने यहूदियों को भगा देने का इरादा लेकर एक साथ हमला किया, किंतु इतने सारे देशों के हमले के बावजूद भी यहूदी पीछे नहीं हटे, बल्कि उन्होंने जान की बाजी लगाकर ये लड़ाई लड़ी। यहूदियों के लड़ने के जज्बे और हिम्मत ने सारी दुनिया को चौंका दिया और तमाम अरब देश जल्द ही इस लड़ाई से पीछे हट गए। लेकिन अरब देशों के पीछे हटने पर भी यहूदी नहीं रुके, उन्होंने अब आगे आकर मोर्चा संभाला और फिलिस्तीन को बुरी तरह से झंझोड़ डाला। अरब देशों का मकसद यहूदियों के इसराइल को कब्जाना था, किंतु इन यहूदियों ने न सिर्फ अपने इसराइल को बचाया बल्कि उल्टा फिलिस्तीन के भी बड़े क्षेत्र पर अपना कब्जा कर डाला। युद्ध से पहले जहां इसराइल के हिस्से में इतनी जमीन थी, वहीं युद्ध के बाद इसराइल ने अपना इलाका कुछ इतना बड़ा कर लिया। दोस्तों, इसराइल इतने पर भी नहीं रुका। इजिप्ट ने जब इसराइल पर प्रतिबंध लगाए और यह कहा कि इसराइल उनके देश में बनी सवेज नहर का इस्तेमाल अपने मालवाहक समुद्री जहाजों के लिए नहीं कर सकता, तो इसराइल ने इजिप्ट पर भी हमला बोल दिया और इजिप्ट के काफ़ी बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि बाद में यूएन के बीच बचाव करने पर इसराइल द्वारा इजिप्ट की भूमि वापस कर दी गई, किंतु इस करारी हार के बाद मिस्र की आंखों में इसराइल और यहूदी बुरी तरह से खटकने लगे। इसलिए 60 के दशक में एक बार फिर से इजिप्ट ने तमाम अरब देशों के साथ मिलकर पुनः पूरी तैयारी के साथ इसराइल को सबक सिखाने की सोची। इस बार अरब देशों द्वारा इसराइल को हराने के लिए एक खास फौज तैयार की गई, जिसे PLO यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना गया। इस फोर्स का इकलौता मकसद इसराइल को हराना और फिलिस्तीनियों को इसराइल क्षेत्र पर कब्जा देना था। अहमद शुकेरी, जो कि फिलिस्तीन के प्रमुख नेता थे, ने 1 जून 1967 को घोषणा की कि आने वाले कुछ दिनों में ही दुनिया इसराइल को एक बीते कल के रूप में याद करेगी। अहमद शुकेरी को बाकी मुस्लिम देशों के साथ मिल रहे साथ के कारण अपनी जीत पर पूरा भरोसा था, किंतु इससे पहले के सारे अरब देश मिलकर इसराइल के खिलाफ जंग शुरू करते, इसराइल ने पहले ही हमला बोल दिया। 5 जून की सुबह इजरायली लड़ाकू विमानों ने बिना किसी की परवाह किए अपने पड़ोसी देशों पर भयानक बमबारी शुरू कर दी, जिससे सारे अरब देशों में अफरा तफरी मच गई। इजरायली हवाई हमले से घबराए अरब देशों ने एक साथ मिलकर इसराइल की सीमा पर अपने पैदल फौजियों का जमावड़ा करके हमला किया, किंतु जमीनी लड़ाई में भी इजरायली पुरुष एवं महिला फौजियों ने अरबों को बुरी तरह से शिकस्त दी और ये लड़ाई मात्र 6 दिनों में ही अरब देशों की हार के साथ समाप्त हो गई। इस हमले के बाद इजरायल ने एक बार फिर से इजिप्ट की भूमि के एक बड़े क्षेत्र के साथ साथ गाजा पट्टी भी अपने कब्जे में ले ली, जिस कारण एक बार फिर से यूएन को इस पूरे मामले में बीच बचाव हेतु आगे आना पड़ा। 2 बुरी हार मिलने के बाद अरब देश समझ चुके थे कि इजरायल से भिड़ना उनके बस की बात नहीं है, इसलिए अरब देशों ने इजरायल पर सीधे तौर पर हमला करना छोड़ दिया और उसके बाद इन देशों के ही सहयोग से इजरायल से लड़ने हेतु कुछ छोटे बड़े ऐसे संगठन बने जिन्हें आतंकवादी संगठनों के नाम से जाना जाता है। हमास भी उन्हीं संगठनों में से एक है। वर्ष 1972 के ओलंपिक्स में ऐसे ही एक संगठन ने इजरायली एथलीटों तक का अपहरण और हत्या को अंजाम दिया, लेकिन ऐसे संगठनों को भी समय समय पर इजरायल द्वारा करारा जवाब दिया जाता रहा है। इन संगठनों के सफाए हेतु इजरायल द्वारा 80 के दशक में लेबनान पर भी हमला किया गया, क्योंकि इजरायल का अनुमान था कि लेबनान में इजरायल के दुश्मन छुपे हुए हैं। यानी इजरायल ने कभी हार नहीं मानी और ना ही कभी पीछे हटा, बल्कि इससे पहले उसका दुश्मन तैयार हो पाता है इजरायली हमला शुरू हो जाता है, जिस कारण 90 का दशक आते आते फिलिस्तीनी अपनी हार मान लेते हैं और वो इजरायल के साथ समझौते की पेशकश करते हैं। फिलिस्तीनियों का कहना था कि इजरायल उन्हें उस जमीन को वापस दे दे जो जमीन उनसे युद्ध में जीती गई है, और जिस तरह से शुरुआत में यूएन ने फिलिस्तीन एवं इजरायल के मध्य में जमीनें बांटी थी, सब कुछ वैसा ही वापस कर दिया जाए। किंतु अब इजरायल ने अपने द्वारा जीती गई जमीन को साफ तौर पर देने से इनकार कर दिया है। इजरायली लोगों का मानना है कि दुश्मन के खिलाफ जरा सा भी झुकना दुश्मन को सर पर बैठाने जैसा है, यानी कोई थप्पड़ मारता है तो उसके सामने दूसरा गाल आगे मत करो बल्कि उसके हाथ ही तोड़ डालो, ताकि वो फिर कभी आप पर हाथ उठाने की सोचे भी नहीं। बहरहाल इजरायल का संघर्ष आज भी जारी है। इस पूरे प्रकरण में कुछ लोग फिलिस्तीन को सही मानते हैं तो कुछ इजरायल को, लेकिन इजरायल के संघर्ष की तारीफ उसके दोस्तों के साथ साथ उसके दुश्मन भी करने को मजबूर हो जाते हैं। यदि आपको लगता है कि आज के इस वीडियो से आपकी जानकारी में कुछ वृद्धि हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन भी जरूर दबा कर रखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।